अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस। आज की जो टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ, आज मैं आप लोगों को ब्लेंड टूल के बारे में सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो है पेन टूल से आर्क लगाएंगे, अपनी मर्जी से कोई भी आर्क लगा लेंगे पी प्रेस करके। कलर इसकी ऑफ कर देंगे और ऑल्ट प्रेस करके एक और इसकी कॉपी ले लेंगे। इसको फर्स्ट करें हम लोग ये ब्लू कलर दे देते हैं, इसकी स्ट्रोक को ब्लू कलर दे देते हैं और इसकी ये वही स्ट्रोक को हम येलो कलर दे देते हैं। हमारे पास स्ट्रोक्स आ गई दो। ब्लेंड टूल को कैसे यूज करना है, हमारे पास थ्री ऑप्शन आ रही होती है। सेमी कलर्स की भी ऑप्शन आ रही होती है, इसके एक ही कलर डिफरेंट तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम लोगों ने सेमी कलर सिलेक्ट किया हुआ है तो हम लोग एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, हम लोगों ने दूसरी चीज सिलेक्ट ही नहीं की, दोनों को इकट्ठे सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्लेंड टूल पे जाएंगे, फिर सेमी कलर सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद जिधर ये ब्लैक हो जाएगा उधर क्लिक करेंगे और इस जगह पे हम लोगों ने क्लिक कर लिया। ये देखें, इसने मर्ज अप कर दिया कलर्स के साथ। ये है हमारा सेमी कलर कि हमने येलो से हम लोग सेमी कलर की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम सेम टू सेम यही चीज लेके हम लोग इसमें स्पेसिफाइड स्टेप्स में जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसके हम लोग 30 स्पेसिफाइड स्टेप्स बना लेते हैं। दोनों चीजें हमारे पास सिलेक्ट है, ब्लैक में क्लिक किया, फर्ज करें कि इस बार इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये चीज बन गई। और अगर हम उसके लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, सेकंड इसको सिलेक्ट करते हैं दूसरे वाले आर्क को, ये देखें हमारे पास स्पेसिफाइड स्टेप्स बन गए और अलग अलग बन गए। थर्ड जो इसकी ऑप्शन है हमारे पास, वो है हमारे पास स्पेसिफाइड डिस्टेंस की। स्पेसिफाइड डिस्टेंस में आप बताते हो कि कितना डिस्टेंस रखना चाहिए डिफरेंट जो इनके बीच में आएगा उसमें। हम लोग फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, इसको मैं 10 का डिस्टेंस दे देता हूँ, दोबारा इसको क्लिक करूंगा, दोबारा इसको, ये देखिए 10 का इसमें डिस्टेंस दे दिया। लेकिन जब हम लोग पहले का देखना चाहें तो उसमें डिस्टेंस इतना नहीं था, इसमें हमारी मर्जी से डिस्टेंस वो रख रहा है और स्पेसिफाइड डिस्टेंस बना रहा है। और इसको देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एलिप्स ले लेते हैं, एलिप्स को हम लोग ऑरेंज कलर कर देते हैं या रेड कलर कर देते हैं। मोर विजिबिलिटी के लिए हम लोग इसको 5 स्ट्रोक दे देते हैं और एक और इस पर क्लिक कर देते हैं। दोनों को सिलेक्शन करना है, फर्स्टली आपने शिफ्ट पकड़ के सिलेक्शन हो गया, फिर ब्लेंड टूल पे गए, अपने स्पेसिफाइड डिस्टेंस 10 ही रखना है। आपकी चॉइस पे है कि आप कितना रखना चाह रहे हैं। आपने सबसे पहले एक को सिलेक्ट कर दिया एंकर पॉइंट को, फिर दूसरे को सिलेक्ट किया, ये देखें उसने वो बना दिया, हमारे सामने ये चीज आ गई। यही कंट्रोल जी करेंगे तो हमारे पास बैक हो जाएगा। अगर हम लोग स्पेसिफाइड स्टेप्स इसके जो है थोड़े से ज्यादा रखना चाहते हैं, मीन्स के हम लोग ऐसे कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, स्पेसिफाइड स्टेप्स हमारे 40 हो गए। फर्ज किया हम लोग इसका चेंज कलर, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं ग्रीन कर लेते हैं, रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन। जब हम स्पेसिफाइड स्टेप्स 40 रखते हैं तो ये एक और शेप हमें बना देगा। देखें, इसी तरह हम लोग रेक्टेंगल ले लें और हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं और किस तरह का बैकग्राउंड हम लोग को चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग रखेंगे। इसको मैं कर लेता हूँ रेड कलर कर लेता हूँ, इसकी स्ट्रोक पे रेड कलर मैंने कर लिया, इसको सिलेक्शन कर ली, इसको सिलेक्शन कर ली और फिर स्पेसिफाइड स्टेप्स पे क्लिक कर दिया। इधर से इसमें ब्लैक कर दिया, इधर से भी इसमें ब्लैक कर दिया, ये देखें
ये तो मेरा शेप हमारे पास बन गई है। मीन्स आप अपनी मर्जी से शेप आउट डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्लेंड टूल। दोबारा ब्लेंड टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस बार इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखते हैं इस तरह उसने कलर ब्लेंड करके और डिफरेंट स्टेप्स बना के जबरदस्त शेप बना दी हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल हम पॉलीगॉन टूल लेते हैं, पॉलीगॉनल टूल को इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं, इसको रेडी रहने देते हैं। जब ब्लेंड टूल पे दोबारा जाएंगे हम लोग, इस पे सिलेक्ट किया मैंने, इस पे सिलेक्ट किया, इसने ब्लेंड करके डिफरेंट ऑप्शंस मुझे दे दी। यही अगर आप जो है ना बैकग्राउंड्स में यूज करेंगे तो ये ज्यादातर मोस्टली ब्लेंड टूल हम लोग बैकग्राउंड्स के लिए यूज करते हैं वो है पाथफाइंडर टूल। पाथफाइंडर टूल आपको इधर इस जगह पे नजर आ जाएगा, अदरवाइज आप जो है विंडोज में जाएंगे और अपने पाथफाइंडर को ऑन कर देंगे। ये आ रहा है आपके पास पाथफाइंडर, ये टिक का मतलब ये है कि ये ऑन है। ऑन है तो इसका मतलब कि आपके सामने होगा पाथफाइंडर टूल। पाथफाइंडर टूल को किस तरह यूटिलाइज करते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। फर्ज करें कि मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसके मैं साइड्स स्ट्रोक बंद कर देता हूँ। या मैंने रेक्टेंगल ले ली और एक रेक्टेंगल मैं रेड कलर की ले लेता हूँ। पाथफाइंडर टूल का फायदा यह है कि आप जो है ना डिफरेंट चीजों को डिवाइड करने के लिए, मर्ज करने के लिए, या अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप जितना इसको फर्ज करें कि मैंने इतना इसको जो है इतना रख के मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं यूनाइट टूल यूज करूंगा। ये देखें इसने एक दूसरे के साथ दोनों शेप्स का एक शेप बना दी। ये देखें इसने दोनों शेप की एक शेप बना दी। ये टूल है यूनाइट टूल। सेकेंड टूल के जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो माइनस। माइनस क्या करेगा काम कि आप लोगों ने दोनों को सिलेक्ट किया, इसने ऊपर वाले को माइनस कर दिया नीचे वाले के हिसाब से। थर्ड जो टूल हमारे पास आ रहा है वो है इंसर्ट टूल। इंसर्ट टूल में ये होगा जो दोनों चीजें मीन्स के दोनों चीजों में से, दोनों रेक्टेंगल में से जो ओवरलैपिंग एरिया होगा वो हमारे पास सामने आ जाएगा। ये इंसर्ट टूल है। ये देखें ओवरलैपिंग जो एरिया है वो हमारे पास सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मैं आपसे ले लेता हूँ, इससे ये चीज मैं लगा लेता हूँ। इसमें मैं जो है इसको मैं दे देता हूँ, फर्स्ट करें ग्रीन दे देता हूँ। जब मैं इसको इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, ये देखें सेंटर वाला एरिया जो है उसने ले लिया, बाकी सबको साइड पे कर दिया। नेक्स्ट टूल जिसकी मैं बात करूंगा जो पाथफाइंडर में ही है, एक और टूल है एक्सलूट के नाम से। इसमें यह होगा जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका मर्ज वाला एरिया होगा वो खत्म हो जाएगा, उसके अलावा बकाया एरिया आपके पास एक शेप बन के सामने आ जाएगा। अगर इस शेप को आप लोग अलग भी करना चाहते हो, आप इधर से अनग्रुप करोगे, ये दोनों शेप्स अलग होगी आपके पास। नेक्स्ट टूल जो हम देखेंगे वो है हमारे पास डिवाइड टूल। डिवाइड टूल ये करेगा कि ये डिवीजन कर देगा। फर्स्ट करें मैंने क्लिक किया डिवीजन, डिवीजन उसने क्या किया, अनग्रुप करेंगे, ये डिवाइड कर दिया, इसने ये डिवाइड कर दिया, ये हिस्सा डिवाइड कर दिया। डिवीजन के लिए कोई सबसे बेस्ट टूल है ये डिवीजन टूल, क्योंकि पाथफाइंडर में आपको मिलेगा। कंट्रोल जी करके मैं दोबारा बैक पे जाता हूँ। सर्कल मैं लगा लेता हूँ, एक येलो सर्कल लगा लेता हूँ। जब मैंने इनको मर्ज करना है तो फिर इधर मर्ज टूल के थ्रू मैं इसको मर्ज करूंगा।
ये मर्ज हो गया मेरे पास। ओके, इसने एरिया मर्ज कर दिया और नीचे वाला एरिया को खत्म कर दिया और इसके साथ मर्ज हो गया, जबकि ये सर्कल था मेरे पास पहले। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टूल जो हम लोग सीख रहे हैं वो है हमारे पास ट्रिम टूल। ट्रिम टूल क्या करेगा, दोनों को जब आप सिलेक्शन करोगे, ट्रिम पे जब मैं क्लिक करता हूँ, पहले इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ओवरऑल सिलेक्शन करके मैंने एक कॉपी ले दी। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर मैं इसको ट्रिम कर, ये दोनों अलग अलग है, सेलेक्ट करता हूँ, ट्रिम पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये दोनों ट्रिम हो गए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो है मर्ज टूल। इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, मर्ज टूल पे क्लिक करूँगा, ये देखें दोनों आपस में, दोनों कलर आपस में मर्ज हो गए। इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास आता है वो है क्रॉप का, ये देखें इसने क्रॉप कर दिया, जो सेंट्रलाइज एरिया था उसको रहने दिया, बाकी सबको क्रॉप कर दिया। यही चीज आउटलाइन। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो है आउटलाइन का। आउटलाइन जो कि अपने नाम से बता रहा है कि सिर्फ आउटलाइन रखने के लिए आउटलाइन यूज होता है। इसकी कॉपी ले लेते हैं, आउटलाइन किया, ये देखो ये आउटलाइन सिर्फ इस कलर का। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है हमारे पास माइनस का टूल, माइनस बैक का। क्या करेगा, ये बैक साइड को माइनस कर देगा, और ये है हमारे पास सीधा। ओके, आप लोगों ने टेक्स्ट लिख दिया, इसको ऐसे क्रिएट आउटलाइन कर देता हूँ। क्रिएट आउटलाइन का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट शेप में नहीं रहेगा, ये वेक्टर शेप में आ जाएगा। क्रिएट आउटलाइन जब मैं करूँगा, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, मैं इधर से ये चीज ले लेता हूँ, इसको मैं वाइट कलर रेड कलर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा टर्न करता हूँ। अगर मैंने इसको एक और इधर से कट करना है तो उसके लिए भी हम लोग डिवाइड टूल यूज करेंगे, ये डिवाइड कर देगा, अनग्रुप करेंगे, ये डिवाइड हो गया। इसके लिए आपकी यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टूल को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।